وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زَهُوًّا الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد وعن أبي هريرة

और उस निज़ाम को जिसको रसूल अकरम ने कायम फरमाया था दोबारा कायम करने से क्या मसाइल हमारे हल हो सकते हैं और उस निज़ाम को मतल करने से क्या क्या खराबियां हमारे समाज में पैदा हुई हैं इसका तस्करा किया था जुमा हमारे लिए बास बरकत है बायस खैर है हमारे दीनी निज़ाम हमारे ईमानी निज़ाम हमारे दावती निज़ाम तजिए नफ्स के निज़ाम माशी माशर्ती परेशानियों का इलाज सियासी ज़िंदगी की बेहतरी इजमाहीत और इत्तेहाद के पैगाम का निज़ाम अल्लाह रब्ज़त ने जुमे के ज़रिए क़ायम फरमाया है और ये ऐसा निज़ाम है कि इसमें कुछ लगता नहीं कुछ दुश्वारी आती नहीं जिसको कहते हैं ना उर्दू में कि हींग लगे न फिट करी और रंग चोखा आए वो वाला मामला है एक पैसा किसी का खर्च नहीं होता और इसके बावजूद फ़ायदे बेशुमार तो हम अगर अपने जुमे के निज़ाम को दुरुस्त करेंगे तो हमारी बहुत सारी समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी अब आइए हम उस हदीस की तरफ थोड़ी सी नज़र करते हैं जिस हदीस को हमने आपके सामने रखा था हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैहि की आत्त शरीफ से रावी है हज़रत अबू हरदल तन और जब बात हज़रत अबूरज अल्लाह तू की आई तो एक बात की तरफ आप हजरत की तवज्जा मज़ूल कराना चाहता हूँ हज़रत अबूरद अल्लाह तन उनब कराम में उनका शुमार होता है जो रसूल अक्रम की सबसे ज़्यादा अदीस रिवायत करने वाले हैं जिन साहबा कराम को मुखरीन के लकम से याद किया जाता है उनमें देखा जाए तो पहला नंबर हजरत बुरह तनों का है बाद लोगों को बड़ा ताज़ुब होता है हज़रत बुर्रद्ल इतनी ज़्यादा हदीसें कैसे रिवायत करते हैं रसूल अक्रम की ख़िदमत में उनको रहने का इतना ज़्यादा मौका तो मिला नहीं उनसे बहुत ज़्यादा लंबी मुद्दत तक हज़रत अबू के सद्दीक़ रहे उमर फ़ारूक उस्मान गनी रहे अली मुर्तज़ा रहे साद व सईद रहे और बहुत सारे साहबा के जो महाजरीन साहबे के कह रहे थे मक्की ज़िंदगी से आपके साथ हैं लेकिन उनकी रिवायतें आप देखें तो बहुत कम है इसके मुकाबले में हजरत अरद अल्लाह तन की आदीस बहुत ज़्यादा है ये बात जितने सीधे अंदाज में मैंने आपसे कह दी ना लोग इसमें खूब नमक मिर्च लगा कर इसको इस अंदाज से कहते हैं जिसका मफहूम ये होता है कि हज़रत अबू हुरैरा की अदीस मशकूक है काबिल इतवार नहीं क्यों इसलिए कि वक्त कम मिला मौका कम मिला सबसे ज़्यादा हदीसे रिवायत करते हैं ये कैसे हो सकता है होना तो ये चाहिए हज़रत अबू के की रिवायतें सबसे ज़्यादा हो हमारे बाज़ लोग जो इन दुश्मनाने इस्लाम के चक्कर में आ जाते हैं और इनकी भोली भाली बातों में उनको हकीक़त नज़र आती है बात ऐसी नहीं है ये हकीक़त नहीं है ये साजिश है धोखा है फरेब है मकारी है आपकी ला इल्मी से ग़लत फ़ायदा उठाने की कोशिश है हज़रतबुररज अल्लाह तह कबीले दोस्त के आदमी है जो अलैहि वसल्लम खैबर फतह करने के लिए मदीना से निकले थे उस ज़माने में हज़रतबुरर्ररज अल्लाह तह अपने कबीले के और लोगों के साथ मदीना तशरीफ़ लाए थे जब मदीना आए तो पता चला अल्लाह के रसूल तो खैबर गए हुए हैं जंग का मामला है तो ये हज़रत मदीना में रुके नहीं कि इंतज़ार करके अल्लाह के रसूल आए नहीं यहाँ से खैबर पहुँच गए जब ये हज़रत पहुँचे हैं तो जंग ख़त्म हो चुकी थी और रसूल अक्रम सम माल गनीमत तकसीम फरमा रहे थे जो जाहिर है कि इन लोगों ने हिस्सा तो लिया नहीं था जंग में लेकिन रसूल अक्रम सलाम ने एक हिस्सा इन हजरात को भी अता फ़रमाया था उनकी दिलदारी के लिए तालीफ कल्ब के लिए ये पहला मौका था कि रसूल अक्रम का दीदार हजरत अबू हर को हुआ इस्लाम की मोहब्बत तो उनके दिल में पहले से थी लेकिन यहाँ बाकायदा आकर रसूल अक्रम के हाथ पर हाथ रख कलमा पढ़ मुसलमान होने और सारी ज़िंदगी तोहद पर क़ायम रहकर दीनी निज़ाम को कायम करने का आहद हज़रत अबूर आलहू ने यहाँ खैबर में किया था खैबर सन छः के करीब पाँच छ में हुआ है फिर उसके बाद छः सात आठ नौ दस मुश्किल से चार पाँच साल का मौका हज़रत अबूर्र को रसूल अक्रम की ख़िदमत में रहने का मिला हज़रत अबू के सिद्दी रजी अल्लाह पहले मुसलमान हैं, तेरह साल की मक्की ज़िंदगी और दस साल की मदनी ज़िंदगी तेईस साल रसूल अक्रम की खिदमत में रहे लेकिन अदीस की तादाद जो उन्होंने रिवायत फरमाई है हजरत अबू हर की आदि अदीस के बराबर भी नहीं है अब ये बातें कहकर लोगों को शको शुभे में डालते हैं लोग अब आइए मैं आपको बतलाता हूँ हज़रत अब त यह हदीस इतनी ज़्यादा क्यों है और हज़रत अबू के सद्दीक़ की कम क्यों है खैबर में फतेह खैबर के बाद आए मुसलमान हुए फिर रसूल अकरम के साथ रहे या अपनी कौम में चले गए नहीं आपके साथ रहे तो दिन को रहते थे कि रात को रहते थे दिनों रात रहते थे कभी ऐसा हुआ कि रसूल अक्रम कहीं किसी सफ़र में गए हों और अबू हर मदीने में रह गए हों नहीं ऐसा नहीं हुआ रसूल अक्रम मदीना में हो और हजरत बुरेरा बाहर चले गए हों ऐसा भी नहीं हुआ मतलब जहाँ अल्लाह के रसूल वहाँ हजरत बुरेरा अब शफ़ा सब कर राम में जो एक तबका है अहब शफ़ा का जिसको बड़ी इज्ज़त एहतराम की नज़र से तमाम ईमान वाले देखते हैं इन अब शफ़ा के एक नहाय ही मुमताज़ फ़र्द हजरत अबू हर कई सारे वाकियात हैं उनके वाक़ को बयान करके मैं आपका वक्त नहीं लूँगा सिर्फ इशारा असाब सुफा कोई काम नहीं करते थे उनका काम था रसूल सल्लल्लाहु अक्रम वसल्लम के नशत व बरखास्त किरदार व गफ्तार तालीम दिन और इस्लाम नमाज रोज़ा हज जकवात सियासत इन तमाम के ताल्लुक से रसूल अकरम जो भी बात इर्शाद फरमाए छोटी बड़ी उसको हासिल करना याद रखना उसके मानी और मतालब को समझना और ना समझ में आए तो उसका पूछना और फिर उन बातों को दूसरों तक पहुंचाना ये काम किसका है असाब सफा का जब ये लोग कोई काम नहीं करते और मस्जिद नबी में रसूल अक्रम ने एक चबूतरा बना दिया है उस पर ही रहते हैं जाड़ा गर्मी बरसात कोई बड़े बड़े गाँव तकिए गद्दे लिहाफ कम्बल मैसर है इनको नहीं मैसर है बरसात का मौसम भी जाड़े का मौसम भी और गर्मी का मौसम भी उनके लिए एक तरह से बेसर सामानी का मौसम है और सब यकसा तौर पर गुजर जाता है तो कोई लंगर चलता होगा जहाँ ये लोग खाना खाते होंगे नहीं वो ज़माना लंगरों का नहीं था बस इतना था कि बादशाहब कराम अंसार में से जिनके बागात थे खेतियाँ थीं वो अपने बागात में से खेतियों में से खाने की कोई चीज़ तैयार हो जाती फसल तो उसमें से काट के लाते और उसके खोशे टांग देते कहाँ सुफा चबूतरे के सुतून से और सुफा जैसे ही वो आता तो उस पर टूट पड़ते थे क्या नहीं ललचाई नज़रों से उसको नहीं देखा करते थे हाँ जिसको भूख लगती तो उठता और उस खोशे में से दो तीन खजूरें निकाली खाई और पेट भर के पानी पी लिया बस हो गई ज़रूरत पूरी किसी ने दूध भेज दिया तो दूध पी लिया एक वाक़ा तो आपको बता ही देता हूँ कि रसूल अक्रम सम के ये सबी हजरत वुररद अल्लाह तार बयान फरमाते हैं कि एक बार ऐसा हुआ एक दिन दो दिन तीन दिन खाने को कुछ नहीं मिला एक वक्त दो वक्त नहीं दिन का मामला है बेहोशी होने लगी हजरत वुरी खा कर गिर जाते तो उस ज़माने में जैसे हमारे यहाँ बाद लोगों का ये तस्वुर है कि किसी आदमी को मिर्गी का दौरा पड़े तो चमड़े की जूती उसको संगाओ तो दौरा ख़त्म हो जाएगा ये किस हकीम ने बताया है किस डॉक्टर ने बताया पता नहीं लेकिन हम ऐसे ही बचपन से सुनते चले आ रहे हैं हो जाता है नहीं हो जाता है उसकी भी कोई तहकीक नहीं है लेकिन सुनते हैं अरब में इसके बरखिलाफ़ थोड़ा सा बदली हुई शक्ल थी और वो ये कि जब कोई आदमी मिर्गी के दौरे में बेहोश होकर गिर जाए तो लोग उसकी गर्दन पे पैर रख कर गुजरते थे समझते थे ऐसा करने से मिर्गी का दौरा ख़त्म हो जाता लोग हजरत बुरत अल्लाह अन्हु के ऊपर से इस तरह से गुजरने लगे जब कुछ होश बहाल हुए उठ के बैठे क्या करूं खुददारी देखिए खुददारी हाथ नहीं फैलाया किसी के सामने मांगा नहीं जाकर रास्ते पे बैठ गए यहाँ से कोई गुजरेगा तो उससे कोई मसला पूछेंगे कोई बात पूछेंगे अगर वो हमारी नकाहत और कमज़ोरी आवाज़ की कमज़ोरी से पहचान गया तो ठीक है अल्लाह उसको तोफ़ी देगा कुछ खाने को मिल जाएगा। गए इतफ़ाक़ की बात हजरत है वो किसद्दीक उधर से गुजरे आवाज़ दी ज़रा ये आयत करीमा का माना समझ में नहीं आ रहा है ज़रा बता दीजिए कौन सी आयत आयत पढ़ी माना बतलाया समझ गए हाँ ठीक है चले गए मकसद तो हासिल नहीं हुआ फिर बैठे हुए हैं हजरत उमर फारूक आए उनसे भी मसला पूछा मसला बतलाया और चलेंगे अब देखा अचानक अल्लाह के रसूल तशरीफ़ तो ला रहे हैं हज़रत अबूर नदी अल्लाह तु तैयार होकर बैठे कि अल्लाह के, के रसूल से पूछेंगे क्या अल्लाह के रसूल एक मसला समझ में नहीं आ रहा है ज़रा बता दीजिए आपने फरमाया उठो तुम्हारा मसला मैं समझ रहा हूँ आओ उठो उठे ले गए घर फ़दरत रज़ी अल्लाह तन दरवाज़े पर हैं अल्लाह के रसूल घर गए जाकर पूछा पूछाज़ मतहराज से खाने के लिए कुछ है फरमाया वैसे तो कुछ नहीं है एक प्याला दूध है पड़ोस से आया है एक साहब ने हध्या किया है कहा ठीक है आए अबूर जाओ अपने साथियों को बुला लाओ अभी तक तो खुश थे कि अब मेरा काम बन गया अब दूध मिल जाएगा और मैं पी कर और अपनी नकाहत व कमज़ोरी दूर कर दूँ लेकिन जब ये इरशाद हुआ अपने सारे साथियों को बुला लाओ तो सारे रास्ते ये सोच रहे हैं कि दूध एक प्याला है ये सारे लोग पिएंगे तो बचेगा कितना और मैं तो चूंकि बुलाने वाला हूं तो पता नहीं मेरी बारी कब आएगी लेकिन हुक्म था रसूल का गए बुला लाए सबको रसूल अकरम ने कहा सब बैठ जाओ सब बारी बारी बैठ गए काबू रहा उठो उठे प्याला उनके हाथ में दे दिया कह लो पिलाओ अपने साथियों को अब वो जो मन में था कि अब हमें मिलेगा मिलेगा वो भी जाता रहा क्यों इसलिए कि अब ये जितने भी बैठे हुए हैं सब पी लेंगे तो आखिर में हमारी बारी आएगी बचेगा क्या गोया के जो खुशी थी वो खुशी धूमल होती जा रही है सबको पिलाया और सबकी ज़रूरत पूरी हो गई थोड़ा सा दूध बच रहा है क्या वो ना रह अब कौन बच गया क्या अल्लाह के रसूल आप और मैं का अच्छा तुम पियो पिया मुंह हटाया प्याले से कहा और पियो फिर हटाया कहा और पियो फरमाया अल्लाह के रसूल अब तो जगह ही नहीं है बिल्कुल ऊपर तक भर गया अब जगह नहीं है उस रहमत लालमीन ने अपने प्यारे सहाबा का बचा हुआ वो दूध जिसको आजकल हमारे ज़माने में झूठा कहते हैं रसूल मोहतरम ने वो दूध नहायत मोहब्बत के साथ नोश फरमा लिया किसको मालूम था कि आप कब से भूखें कोई नहीं जानता आपने नोश फरमाया ये अबू रेजी अल्लाह तू एक बार आए ख़दत नबी में अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल दुआ फरमा दीजिए मेरे लिए क्या हुआ अल्लाह के रसूल मेरी कोशिश ये है कि आपकी कोई बात मेरे जहन से महवना हो मैं भूलूँ नहीं आपकी कही हुई और आपके बारे में सुनी हुई कोई बात जो मैं सुन लूँ भूलो नहीं फसा मुख्तर रसूल अक्रम सम ने कहा झोली फैलाओ तो दामन फैला दिया रसूल अकरम ने अपने लपों से भर कर उनकी दामन में डाला और तो कहा समेट लो इसको दिल से लगा लिया फरमाते हैं वो दिन है और आज का दिन है फिर कोई बात एक बार सुनने के बाद दोबारा शिकायत ये नहीं रही कि वो बात कैसे थी भूल गए याद नहीं रही जहन से महब हो गई ये शिकायत कभी नहीं हुई जो बात सुन ली वो हमेशा याद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या डाला था झोली में लोगों ने हाथ तो देखे अबू हुरैरा की झोली भी देखी लेकिन हाथों में कुछ दिखाई नहीं दिया और झोली में भी कुछ दिखाई नहीं दिया लेकिन पता का और दादो दहेश का जो ख़ज़ाना रसूल अक्रम ने हज़रत अबू हुरैरा की झोली में डाला था वो निराला था दुनिया में किसी को ये चीज़ और नहीं मिली इसके मस्तक़ हज़रत अबर रह ही खराब हुआ बहुत सारे वाक़ उनकी सीरत में मौजूद हैं उनको हम सबको छोड़ दें हज़रत बुरद अल्लाह तैाल को सवाल ये था इतनी हदीसें याद कैसे रहती है हजरत बुरद अल्लाह तन फ़तेह खैबर में आए हैं उसके बाद से तो कभी गायब हुए नहीं तो उसके बाद की तो सारी बातें उनको याद हैं अब ये जो अरसा है पाँच छः साल का मदीने का और तेरह साल का मक्के का उसके बारे में हज़रत अबूरतील् ने खोद कुरेद कर कर के एक एक चीज़ एक एक आयत की तफसीर एक एक वाक़ा की तफसील उनहब करम रजूल तजमी से पूछी जो रसूल अक्रम के साथ थे उस ज़माने में जिन्होंने वो उस वाक़े में हिस्सा लिया था और उनको तमाम को याद रखा और कोई भी वाक्य हो मक्की जिंदगी का मदनी जिंदगी का जंग का सफर का हजर का हजरत तू के इल्म से बाहर नहीं हो इसलिए इसीलिए कि उन्होंने अपनी जिंदगी का मिशन बनाया कि रसूल अक्रम की ये जो जिंदगी है इसके किसी गोशे को मैं फरामोश नहीं होने दूंगा और उसको याद रखूँगा सो उन्होंने याद रख? रखा बाह कराम को उसी ज़माने में शुबा होने लगा था अक्सर आबू हरेरा अबू हुररा के पास इतना इल्म कहाँ से आया फरमाया आज कह रहे हो अक्सर आबू हुररा और वो दिन भूल गए कि हमारे महाजिर भाई तजारतों में लगे रहते थे और हमारे अंसार भाई खेती बाड़ी में लगे रहते थे और अबू हरेरा भूखा प्यासा दर नबूत पे पड़ा रहता था दिन रात सुबह शाम सफ़र हजर तमाम में वो दिन भूल गए कहने का मतलब हजरत अबू रदी अल्लाह तु ने वजह बताई सबब बताया कि सबब ये है एक और बात अब ये जो मसला है कि हजरत अबू बकर रदी अल्लाह तन की इतनी रिवायतें क्यों नहीं हैं तो अगर हम तफसील से देखें तो हमें मिलेगा कि जब किसी के पास इल्म नहीं मिला तो उस वक्त हजरत अबू सिद्दीक ने रहनुमाई फरमाई रसूल अकरम की वफ़ात का हादसा जब सामने आया तो किसने दस्तगिरी की हज़रत सिद्दीक ने उमर फ़ारूक भी लंगी तलवार लेकर मस्जिद में फिर रहे थे तो फरमाए इन न व मैय तू وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل اور من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت پھر ملتے ہیں ناظرین اگلے ایپیسوڈ میں تب تک کے اجازت اپنا خیال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته